ऐसे ऐसे हो आप लोग, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं संगीता, संगीता की रेसिपी में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़े। और बरसात का मौसम है, पकौड़े नहीं खाएं तो क्या खाएं, और ठंडे मौसम में तो गर्म गर्म पकौड़ा अच्छा ही लगता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने पकौड़ी बनाने के लिए, ये देखिए हमने केला को कट कर लिया है, आलू है, बैंगन है और गोभी, और कुछ हरी मिर्ची है, इसको भी हम बेसन में फ्राई करेंगे। तो चलिए हम अब बेसन को पेस्ट बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इसके लिए एक बाउल लिया है, इसमें हम डालते हैं बेसन, चना का बेसन हमने ले लिया है, और हम बेसन में ये सब चीज़ें डालेंगे। लहसुन का पेस्ट है, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, इससे पकौड़ी अच्छा बनता है, टेस्टी। इसमें हम डालेंगे अपने नमक स्वाद के अनुसार, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी कलर के लिए, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स है, थोड़ा सा ही डालेंगे हम। ये है जीरा, जीरा से स्वाद अच्छा आता है, और थोड़ा सा हमने लिया है अजवाइन, अजवाइन थोड़ा सा, और हम इसमें डालेंगे पानी। पानी को हम थोड़ा सा डाल के पहले अच्छे से मिला लेते हैं, गुठलियाँ ना पड़े, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको मिला लेते हैं। ये देखिए हमने इसको फेंट लिया है बढ़िया से, गुठलियाँ नहीं पड़ी हैं, और इसको हम 2-3 मिनट के लिए ढक के इसको हम रख देते हैं। और हम इसके लिए तब तक वो 5 मिनट तक लिए, वो खिल जाएगा अच्छे से, पकौड़ी अच्छा बनता है दोस्तों। तो ये देखिए हमने चटनी के लिए धनिया लिया है, हरी मिर्च, टमाटर और लहसुन, अब हम इसको तब तक पीस के रख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने गैस को जला लिया है, डालते हैं हम रिफाइन। चलिए फिर तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने। तो पहले हम आलू को निकाल लेते हैं, आलू को हम छान लेते हैं, फिर हम छानेंगे गोभी को। 5 मिनट के लिए आप बेसन को फिर से जरूर रखें, ना तो आपको सोडा डालना पड़ेगा और ना तो बेकिंग पाउडर डालना पड़ेगा, और इनका बहुत अच्छा टेस्ट होगा। ये देखिए हमने आलू को डाल दिया, ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा से खिल गया है, आप देख सकते हो, ये देखिए कितना फूला फूला दिख रहा है ना। तो बस इसको हम इसी तरह से उलट पलट के लाल कर लेते हैं। आँच को हम थोड़ा सा मीडियम कर देते हैं, ताकि ये अंदर से बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए। तो चलिए फिर देखिए इसको हम निकाल लेते हैं, गोल्डन ब्राउन हो गया है, ज़्यादा जल जाता है पकौड़ी का स्वाद अच्छा नहीं लगता। ये देखिए इसको हम अच्छे से निकाल लेते हैं, सभी को इसी तरह से हम निकाल के, तो इसी तरह से अब हम इसको गोभी को फ्राई कर लेते हैं। गोभी को हम फ्राई कर लेते हैं, का फ्लेवर हम कम रखेंगे, नहीं तो ऊपर से पकौड़ी लाल हो जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है, इसकी वजह से हम आंच को मीडियम में रखे हैं। बीच में हम इसका फ्लेवर थोड़ा सा बढ़ा देंगे। एक साइड लाल हो गया है, अब इसको हम अच्छे से पलट लेते हैं। तो ये देखिए पकौड़ी दोनों तरफ से हो गया है ब्राउन,
अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो इसी तरह हम केला और बैंगन और मिर्ची का पकौड़ी छान लेते हैं। तो फ्राई हो गया है, तो मिर्चा को भी हम फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों देखिए पकौड़ी मेरा बढ़िया से सब छना गया है और बहुत सुंदर खुशबू आ रहा है। तो इसको हम सब निकाल लेते हैं और फिर सर्व करके हम दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स मेरा पकौड़ी सब छन के तैयार हो गया है। ये देख लीजिए आलू का है, ये बैंगन है और ये गोभी और ये केला है और ये हरी मिर्च वाला। तो हमने सब पकौड़ी को छान के रख लिया है और ये हरी धनिया पत्ती की चटनी है और ये मीठा चटनी है टमाटर सॉस वाला। ये देखिए पकौड़ी कुछ छन के तैयार हो गया है, हमने डेकोरेट करके रख लिया है। तो आप लोग भी आ जाइए और इसी तरह से आप भी अपने घर में बनाइए बरसात के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़ी और खाइए परिवार फैमिली के साथ। तो दोस्तों मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। आप लोग तो कमेंट कर भी नहीं करते हैं, थोड़ा सा कमेंट कर दिया करिए, थोड़ा सा हमको इससे मनोबल बढ़ता है। तो धन्यवाद।